सो गाइस फाइनली बहुत दिन के बाद यार एक व्लॉग वीडियो शूट हो रहा है एंड मतलब तुम लोगों को तो डेली अपडेट्स आ रहे हैं व्लॉग्स के, मतलब डेली अपडेट्स नहीं बट आ रहे हैं. ओके, डेली वीडियोस आ रहे हैं, लाइव स्ट्रीम्स आ रहे हैं, व्लॉग वीडियोस आ रहे हैं, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो वो बहुत दिन आगे व्लॉग्स बनाए हुए थे. ओके, मतलब मैंने दो हफ्ते से व्लॉग्स नहीं बनाए या फिर एक महीने से व्लॉग्स नहीं बनाए, आई डोंट रिमेम्बर, बट व्लॉग्स नहीं बनाए. ओके, तो आज सोच रहा था कि यार व्लॉग बना लेते हैं एक. एंड व्लॉग देखो गाइस, व्लॉग बनाने के लिए सब लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं. एंड चल रहा है भाई, अब कोरोना का समय है तो मैं बाहर तो कभी नहीं जाने वाला. ओके, शायद जाने वाला हूँ एक दो मिनट के लिए, बट यार बाहर वाला व्लॉग तो नहीं होगा, घरेलू वाला व्लॉग ही होगा ये. ओके, तो आज व्लॉग्स का क्या है मैं सब कुछ बताता हूँ तुम लोगों को. ओके, तो गाइस लेट्स गिव द इंट्रोडक्शन. हे होलिक्स, व्हाट्सअप, मैं आ गया और एक नया वीडियो लेके और एक नया व्लॉग वीडियो लेके. तो चलिए शुरू करते हैं. चलो तो गाइस ये देखो भाई, पहली बात तो ये कि मैं सुबह उठा. ओके, एंड ऑनलाइन क्लासेस का समय तो मतलब 8 बजे से शुरू होता है मेरे ऑनलाइन क्लासेस. एंड ये जो यूनिफॉर्म है, ये जो यूनिफॉर्म तुम लोग देख रहे हो, ये पहन के ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता है. ये यूनिफॉर्म पहन के गाइस, ये यूनिफॉर्म पहन के मुझे ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता है, हर रोज़ करना पड़ता है, हर रोज़ 8 बजे से लेके 11:30, 10:30, 11:30 बजे तक ये यूनिफॉर्म, गंदा सा ये वाला यूनिफॉर्म पहन के मुझे करना पड़ता है सब कुछ. ये देखो गाइस मेरा पीसी, इसमें करना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस सुबह से, तो इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया कि यार क्या करूँगा ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करके. अभी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हुआ. ओके, एंड मुझे पता चला कि मेरा भैया आ रहा है मेरे घर में. ओके, एंड लेट मी शो यू दैट वी एडेड सम मोर प्लांट्स इन आवर बालकनी. एंड ये एक ही प्लांट है. ओके, एंड और भी प्लांट्स है, रुको मुझे दिखाने दो, प्लांट्स थोड़ा सा दिखा दे. अब शायद 11:30 बजे है. एंड कैन यू सी दीज प्लांट्स, दीज आर ऑल माई प्लांट्स. ओके, एंड उन लोगों को थोड़ा सनलाइट की ज़रूरत थी इसीलिए मैंने इसको इधर बैठा दिया. अब इन लोगों को एक एक करके मुझे ले जाना पड़ेगा अंदर. देखो दीज आर द प्लांट्स, ये कुछ क्रीपर टाइप का प्लांट है. ओके, क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, इसको सपोर्ट चाहिए तो इसीलिए इसको रोप से बांध दिया. शूलेस है बट ये रोप का काम कर जाता है. एंड ये है एलोवेरा प्लांट. एंड ये दो प्लांट का नाम मुझे नहीं पता बट ये है एलोवेरा. ओके, एंड हर रोज इन सबको यार पानी वानी देना पड़ता है. ओके, एंड मैंने सुबह ही जाके इन सब चीज़ों को मैंने सुबह ही यार कर दिया था उधर, मतलब बैठा दिया था सनलाइट में. एंड या सो मेरा भैया आने वाला है अभी. एंड इधर ही मतलब लंच करेंगे एंड थोड़ा यार मज़े करेंगे, यार सब लोग मिलके मज़े करेंगे. सो मैं सोच रहा था कि यार लाइव स्ट्रीम कर लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि यार लाइव स्ट्रीम करके फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यार 1 घंटे में मुझे लाइव स्ट्रीम खत्म करना पड़ेगा एंड मेरे पास समय नहीं है. तो मैंने सोचा कि यार एक व्लॉग वीडियो बना लेते हैं तो उससे थोड़ा बेटर होगा, तो इसीलिए मैं व्लॉग वीडियो बना रहा हूँ एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि यार रूम टूर दे दो, सेटअप टूर दे दो. ओके, तो यार सेटअप टूर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यार उतना खास सेटअप नहीं है मेरे पास. ओके, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि यार मेरे पास 7 साल पुराना वाला एक पीसी है. ओके, जिसमें मैं रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग एक साथ नहीं कर पाता हूँ, बट स्ट्रीमिंग किसी भी तरीके से हो जाता है यार, OBS किसी भी तरीके से चल जाता है. शायद मेरी रैम की वजह से, मेरा रैम थोड़ा सा बेटर है इसीलिए, मतलब प्रोसेसर की तो बात ही छोड़ दो, बट रैम थोड़ा सा बेटर है, मतलब उतना नहीं है तुम लोग जो सोच रहे हो, बट एवरेज है. ओके, बिलो एवरेज है. एंड ये सब तो भाई बिलो एवरेज भी नहीं है, एकदम डाउन है प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड सब कुछ. ओके, तो इसीलिए यार मैं रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग एक साथ नहीं कर पाता हूँ. एंड तुम लोग अगर सेटअप टूर मांग रहे हो, मैं दूंगा तुम लोगों को सेटअप टूर,
चिंता मत करो, बट एक माइलस्टोन कंप्लीट होने के बाद स्पेशल वीडियो आएगा। एंड रूम टूर की अगर बात करो तो रूम टूर यार, अगर तुम लोग मेरे सारे व्लॉग्स देखते हो ना, तो तुम लोगों को रूम की तो यार सब कुछ हो गया यार। रूम टूर तो तुम लोगों को पहले ही मिल चुका है यार। अगर तुम लोग एक व्लॉगर के लाइफ में रूम टूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब वो कैमरा पकड़ता है सब कुछ दिखा देता है ऑलरेडी, एंड ज़रूरत नहीं पड़ती है ओके रूम टूर की। बट फिर भी अगर तुम लोग बोल रहे हो तो एक माइलस्टोन अच्छी कंप्लीट करो मेरे, ओके। एंड यार फिर मैं रूम टूर सेटअप सब कुछ दे दूंगा, बट पहले सब्सक्राइब करो यार चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब करो। तो गाइस 12:10 बजे है फिलहाल, एंड भैया आने ही वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जाऊँ जाके नहा के यार सब कुछ फ्रेश हो जाऊँ मैं बिल्कुल, क्योंकि यार जब मैं उठता हूँ ना तब तो नहाना एकदम इम्पॉसिबल है यार, ठंडा मौसम है। एंड 7:30 बजे सुबह मैं नहीं नहा सकता यार, सीरियसली बताऊँ मैं दोपहर में ही नहाता हूँ ऐसे टाइप के, एंड इसीलिए मैं फटाफट से चलते हैं नीचे एंड यार नहा वहा के आते हैं, ओके सो लेट्स गो। तो नहाने से पहले मैं सोच रहा था कि यार नीचे का थोड़ा माहौल देगा दिखा लेता हूँ तुम लोगों को। एंड नीचे फिलहाल मतलब कुछ स्पेशल तो नहीं हो रहा है, भैया अभी तक नहीं आया। एंड मतलब सिस्टर, मेरे जो सिस्टर है वो आज खाना वाना बना रही है, ओके सो लेट्स गो चेक हर आउट, लेट्स गो। तो हियर वी एंटर द किचन ऑफ हेवन, एंड ये देखो मेरी दीदी खाना बना रही है हमारे लिए। एंड ये देखो मतलब कैमरा देख के ही पोज मारना चालू, एंड यार बहुत अच्छा खाना बनाती है यार, बहुत डिलीशियस होता है। तुम लोग देखो भाई ये चिकन देखे ना, मुंह में पानी आ रहा है मुझे एडिटिंग करने के वक्त। तो मैं अभी फ़िलहाल यार जाता हूँ यार नहा के आता हूँ, फटाफट से नहा के आते हैं एंड यार फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो यार तब तक के लिए भाई। एंड गाइज वी आर रेडी, एंड मैंने नहा लिया, ओके मैंने एकदम चकाचक नहा लिया। एंड अब यार देखो भैया आ चुके हैं प्यारी सी स्कूटी लेकर, एंड हमारे बुआ आ चुकी है, एंड यार बुआ इज़ यार फुल एक्साइटेड क्योंकि बहुत दिन बाद वो आई है यहाँ पे, एंड यार मस्ती होगा। एंड बुआ का थोड़ा फ़ोन का भी प्रॉब्लम था इसीलिए आया, मैं यार सॉल्व कर देता हूँ, मतलब कुछ भी फ़ोन का प्रॉब्लम होता है एंड वो सब होता है यार हम लोग ही कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्व, मतलब उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है वो, बट हमारे लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। हाँ तो गाइस नहाना तो हो गया कम्प्लीट, एंड भैया काम कर रहे हैं फिलहाल, काम वाम कर रहे हैं भैया। हाँ तो भैया काम कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक घंटा लाइव कर ही लूँ, लाइव करके फिर मिलते हैं, ओके तब तक के लिए भाई। तो लाइव स्ट्रीम तो हो गया कंप्लीट यार, एक घंटा चला लाइव स्ट्रीम, उतना मतलब मैं लंबा लाइव स्ट्रीम तो करता नहीं हूँ आप लोगों को पता है। एंड आप यार नीचे जाना पड़ेगा, इट्स लंच टाइम एंड लंच में देखते हैं क्या है, लेट्स गो। भैया चला गया ऑलरेडी, भैया यार खाने का नाम सुन के एकदम भाग के चला गया। ये देखो ऑफिस का वर्क सब कुछ पड़ा हुआ है इधर, ये देखो लैपटॉप वैपटॉप खुल के एकदम ऑफिस का, ऑफिस तो छोड़ो यार ऑफिस, हम लोगों को खाना है पहले, चलते हैं नीचे फटाफट से। तो जाने से पहले मैं ये खिड़की विड़की बंद कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से खिड़की विड़की बंद कर देते हैं। तो गाइस खिड़की तो बंद हो गया यार, चलो गाइस नीचे चलते हैं, क्या खाना है देखते हैं, लेट्स गो। तो गाइस इट्स लंच टाइम एंड आज थोड़ा स्पेशल बनाया है, आप लोगों को पता ही है कि यार दीदी ने खाना बनाया है हमारे लिए, सब लोगों के लिए दीदी ने अकेले खाना बनाया है, दीदी के मम्मी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हेल्प कर दिया उसको, बट मेन जो काम था वो दीदी ने ही किया है। एंड यार मेन्यू क्या है देख लो, खुद ही देख लो। तो लंच का आज थोड़ा डिफरेंट मेन्यू था, आज था लच्छा पराठा एंड आलू कीमा। तो जो लोग मेरे को वेस्ट बंगाल के बाहर देखते हैं, तुम लोगों को लच्छा पराठा एंड यार ये सब खाते हो क्या, मतलब लंच में खाते हो क्या तुम लोग, मतलब मैं हम लोग थोड़े खाते हैं, मतलब हम लोग रेयरली खाते हैं, ओके बहुत नहीं खाते हैं, बहुत रेयरली खाते हैं, मतलब पराठा रोटी लंच में बहुत रेयरली खाते हैं। तो आज बना था
लच्छा पराठा एंड आलू कीमा एंड उसके साथ हो रहा सलाड एंड यार ये था चिकन हरियाली, तो बहुत स्वादिष्ट था। एंड ये था इसको यार हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट बंगाली में इसे पायश बोलते हैं। ओके शीमू ईयर पायश बंगाली में इसे यही कहते हैं, तुम लोगों के वहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे कोई। तो लेट्स एंजॉय द लंच गाइस। Yo, what's up, homies? Get mark. I'm blocked. Run, run, run. Bye, 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 bye. तो लाइफ में थोड़ी शैतानी भी ज़रूरी है एंड हम लोग वही निकले थे छत में करने के लिए। एंड हम लोग को का प्लान था कि चॉकलेट बम फोड़ने का। ओके एंड हमारे इधर घर के पास में जो नेबर रहता है तो उन लोगों को क्रैकर्स फायर क्रैकर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके एंड लाइक सीरियसली कुछ भी अगर फटा हो ना चॉकलेट बम या फिर कुछ भी फटा हो तो वो लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं ना, लाइक लिटरली क्या ही बताऊँ। वो देखो गाइस चूतियों को देखो ज़रा एक बार। एंड सोचना मत कि हम लोग नहीं फोड़े बॉम्ब। ओके टकले के सामने ना एक्सप्लोजन करके चले आए हम लोग, विश्वास नहीं होता देख लो फिर। Run. तो गाइस इतना सारा मजा करने के बाद इट वॉज फाइनली टाइम टू गो होम फॉर माई ब्रदर एंड वो लोग जा रहे हैं फाइनली। ओके एंड फिलहाल आई गेस साढ़े आठ बजे थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट या वो लोग जा रहे थे। एंड अरे यार तुम लोगों को तो पता ही है ना वो लोग पास में रहते हैं, लाइक 2 मिनट का रास्ता है। एंड भैया चला के जाता है, ओके बाय भैया, एंड भैया चला के जाते हैं स्कूटी। एंड या सो बाय भैया, फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो गाइस वो लोग तो चले गए होंगे एंड यार अब बजे है फिलहाल कितने बजे है, 8:30 बजे है। ओके तो 8:30 बजे यार क्या करूँ मैं, ये वाला व्लॉग मैं तो ख़त्म करूँगा बट बाद में करूँगा। ओके थोड़ा और यार खींचते हैं ना थोड़ा और व्लॉग को। एंड यार मुझे थोड़ा सा एडिटिंग भी करना है क्योंकि और कुछ नहीं है मेरे पास, मतलब उतना कुछ काम वाम नहीं है तो एडिटिंग करना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं जाऊँगा थोड़ा वर्कआउट करने क्योंकि यार 5:30 बजे आज मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, भैया आया था ना इसीलिए वर्कआउट नहीं हुआ, तो आज या 8:30 बजे ही करना पड़ेगा मेरा वर्कआउट। तो आज फिलहाल फिर भी वर्कआउट करूँगा एंड शूट नहीं कर सकता मैं वर्कआउट क्योंकि यार समझ सकते हो ना कि रात हो चुका है एंड यार अच्छा क्वालिटी भी नहीं है आएगा, तो वो शूट बाद में करूँगा, एक्सरसाइज वाला वर्कआउट वाला शूटिंग बाद में करूँगा। बट फिलहाल वर्कआउट करके आते हैं एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से ना, तब तक के लिए बाय। तो गाइस मेरा वर्कआउट तो हो चुका है कम्प्लीट। ओके ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 मिनट लगा है। ओके तो अब मैं शायद मतलब वर्कआउट तो हो गया कम्प्लीट एंड और कुछ तो करना नहीं है। ओके दिस एंड ऑफ द व्लॉग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट द बेल आइकन एंड शेयर करो वीडियो को एज मच एज पॉसिबल। ओके मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।